नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम उत्तराखंड में अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कसार देवी टेंपल के पास हैं। कल रात में हम यहां पर पहुंचे। हम रुके जंगल रिजॉर्ट में, स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था। इस समय सुबह 10:30 बजे का टाइम है। आज के दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं कसार देवी टेंपल जाकर। जंगल रिजॉर्ट से ही ये सीढ़ियाँ लेकर हम ऊपर चले जाएंगे और टेंपल तक पहुंच जाएंगे। जब मैं रिटर्न लौट कर आऊंगा तब एक बार मैं आपको यहाँ का रूम भी दिखा दूंगा। मैं आज से 4 साल पहले अल्मोड़ा आया था, तब हम अल्मोड़ा टाउन में रुके थे। तो वहां और यहां में मेरे को डिफरेंस एक बड़ा महसूस हो रहा है कि अल्मोड़ा टाउन में होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स नहीं है। इस जगह कसार देवी में रिजॉर्ट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, होम स्टेज भी हैं और यहाँ का वातावरण बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ आपको वाकई ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप जंगल के बीच में हो, हर तरफ शांति, पीसफुल एनवायरनमेंट। तो ये जगह नाइट स्टे के लिए और 2-3 दिन बिताने के लिए काफ़ी अच्छी है। चलिए यहाँ से हम आगे मंदिर को चलते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, मंदिर के पास हम पहुंच भी गए। इस जगह पहुंचकर ऐसा लग रहा है अगले 2 से 3 घंटे कहीं ना जाएं, यहां पर सामने बैठ जाएं और इस खूबसूरती को देखें, निहारें, अप्रिशिएट करें। सो ब्यूटीफुल। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। इस जगह जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहां भगवान शिव का मंदिर है। यहीं से अगर आप नीचे देखें, ऑलमोस्ट 150 मीटर नीचे की ओर, वहां पर कसार देवी टेंपल है। ये पूरा एरिया कसार देवी के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं मंदिर में माथा टेक के आता हूं, फिर आपको यहां का सीनिक व्यू भी दिखाता हूं। मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। आपने कहीं पर पढ़ा होगा या सुना होगा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में। पृथ्वी के चारों ओर एक रेडिएशन बेल्ट है जिसका नाम है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, क्योंकि उस बेल्ट को जिसने डिस्कवर किया उस इंसान का नाम वैन एलन था। अब वो बेल्ट से रेडिएशन निकलती है जिसकी रेज अर्थ में आती हैं, लेकिन दुनिया में, पूरी अर्थ में ऐसी 3 जगहें हैं जहां पर गैप्स हैं। उस बेल्ट के अंदर गैप्स हैं और रेडिएशंस नहीं आती। उन 3 जगहों में से एक जगह कसार देवी है। तो उन गैप्स की वजह से कॉस्मिक एनर्जी यहां पर फ्लो करती है। शायद ये रीजन है जिसकी वजह से ऐसा लोग मानते हैं कि यहां आकर अगर आप मेडिटेशन करें तो आपको आनंद आएगा और आपको ऐसा अनुभव होगा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। 1890s में स्वामी विवेकानंद भी यहां पर आए थे, उन्होंने यहां पर मेडिटेशन की थी। ये जगह बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। यहां पर आके बैठना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस होती हैं यहां पर बैठकर, और सीनिक व्यूज तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, बहुत अच्छे हैं। 15-20 मिनट हम यहां पर रुकेंगे, फिर हम नीचे कसार देवी टेंपल को जाते हैं। कसार देवी मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। मंदिर में माता की मूर्ति तो बाद में बनी, लेकिन पहले ये जो आप रॉक देख रहे हैं, इस रॉक की पूजा हुआ करती थी। अगर हम बहुत ध्यान से देखें और थोड़ी यहाँ पर रोशनी हो तो यहाँ पर शेर की आकृति भी है जो आपको पंडित जी दिखाएंगे। यहाँ पर एक अखंड ज्योति भी जलती है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर माँ दुर्गा ने कटियानी के रूप में अवतार लिया और शुंभ और निशुंभ की हत्या करी। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और इस जगह मेडिटेशन भी करते हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट ये देखने आए थे हम,
जो आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये लगभग 2000 साल पहले लिखा गया होगा। आज के दिन का हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अभी हम रिजॉर्ट जा रहे हैं, लगेज पिकअप करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, अल्मोड़ा जाएंगे, बाल मिठाई खाएंगे, उसके बाद हम कोसानी जाएंगे। नाइट स्टे हम कोसानी में करना चाहते हैं आज। चलिए जी, 5 मिनट का ही दूरी पे हमारा रिजॉर्ट है, वहाँ चल के एक बार आपको रूम दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस एरिया में ना रहने का बहुत चाम है, नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि खुद को बड़ा अच्छा महसूस होता है। कसार देवी तो अच्छा है ही है, यहाँ से ना 18 किलोमीटर में बिनसर है, तो आप बिनसर में भी नाइट स्टे करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ, हम इस रूम में नहीं रुके थे, हमारा तो सामने वाली बिल्डिंग में रूम था, लेकिन जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार के रूम्स हैं। यहाँ पर ना 4,500 रुपये रूम टैरिफ रहता है डबल ऑक्यूपेंसी में, तो हमें तो यहाँ पर टैरिफ 3,500 रुपये पड़ा, क्योंकि अभी कोविड की वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो इन्होंने हमें 1,000 रुपीज़ करके डिस्काउंट दे दिया। तो आप ये बेसिक अकोमोडेशन देख लीजिए किस प्रकार की है, और जैसे मैंने आपको बताया इस एरिया में बहुत रिजॉर्ट हैं, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो जिस प्रकार की आपकी पसंद हो, लेकिन यहाँ पर कसार देवी एरिया में आके रहना एक्सपीरियंस है। मुझे किसी ने रेफरेंस दिया कि अगर आप लोकल फूड खाना चाहते हैं तो अहितो पे चले जाइए। 0.5 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये जगह है। सामने एक मेरे को गोविंदा होमस्टे का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस लोकेशन में आपको होमस्टेज भी मिलेंगे और रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। हम ऊपर रेस्टोरेंट तक आ चुके हैं, हमारी मुलाकात यहाँ पे नरेंद्र से हुई है। नमस्कार, मैं प्रोनाउंस कर रहा था अहितो, इन्होंने बताया अलहितो बोलते हैं, इसका मतलब होता है चलो चलें, राइट, कुमाऊनी में। ग्रेट, आपका कैफे मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है, मैं तो वहीं पर नीचे खड़े होकर सीनिक व्यू से इंप्रेस हो गया था, लेकिन यहाँ से जब हम देख रहे हैं हमें तो और अच्छा लग रहा है। वी हैव द हिमालय व्यू आल्सो लाइक दैट। एक्सीलेंट, तो आपके यहाँ पर केवल रेस्टोरेंट है या अकोमोडेशंस भी हैं? सर, हमारे पास अकोमोडेशंस भी हैं, कैफे भी है सर। यहाँ पर बाहर बैठ के भी खा सकते हैं? अच्छा प्लेस है, तो यहीं पे डिस्कस करते हैं और फिर ऑर्डर दे देते हैं। लंच रेडी हो चुका है, नरेन ने शेफ को भी हमारे साथ यहाँ पर बुला लिया, जिससे कि हमें कुछ समझना होगा तो हम साथ के साथ समझते भी रहेंगे। अब मैं आप बताता हूँ लंच में आज हम क्या खा रहे हैं। छुंगर का भात, गोहत दाल और लौकी, और ये आप देख रहे हैं झोली। ये झोली में एक तरह से समझ लीजिए कड़ी है, जिसको उत्तराखंड स्टाइल से बनाया जाता है, ऊपर नींबू डालते हैं और उसके साथ भांग के बीज, क्योंकि आपने तड़का भांग का लगाया इस पर। ये हैं चावल के पुए, तो ये मीठा रहता है। रॉ इन्ग्रीडियंट्स भी हैं चावल, भांग के सीड्स, गोहत दाल और झुंगर, जो यहाँ पर चावल देख रहे हैं। साथ में ये चाट है गोहत की, बहुत बढ़िया। धनिया पाउडर या साबुत धनिया, हल्की हल्की खटास है, मेरे को लग रहा था नींबू से ज्यादा खटास रहेगी, लेकिन हल्की हल्की खटास है, और ऊपर जो तड़का आपने लगाया है बड़ा लाजवाब टेस्ट। चावल तो नहीं लग रहा टेस्ट में, इसको खाने से ऐसा लग रहा है जैसे क्लोजेस्ट मैच के तौर पे दलिया, मतलब कह सकते हैं कि दलिया जैसा जैसा टेस्ट है। पिछले 3 दिन में एक चीज मुझे समझ में आ गई है, कुमाऊनी खाने में कड़ी एक मेन डिश है। तो आप लोग तड़के के लिए क्या जाखिया इस्तेमाल करते हो? तो जाखिया हमें गढ़वाल रीजन में तो बहुत एक्सटेंसिव यूज हो रहा था। एक्चुअली सर, रीजन ये है कि कुमाऊनी का थोड़ा ट्रेडिशनल जो कुकिंग का होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और गढ़वाली का कुकिंग का डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप देखेंगे मडवा रोटी के साथ वो लोग बटर्स ऑलरेडी पहले से ही लगा देते हैं, तो हम लोग बटर पहले से नहीं, सेपरेट भी हम लोग बटर देते हैं। अच्छा, तो यानी गढ़वाल में जाखिया ज्यादा यूज होता है, यहाँ पर कंपैरिजन में कम होता है।
झुंगर, साथ में हम गोहत दाल और लौकी की सब्जी लेंगे। वैसे ये गोहत दाल जो रेगुलर तौर पे खाई जाती है, ये सर्दियों में खाई जाती है मैंने सुना, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, सर्दियों के लिए मेन है। गोहत दाल का टेस्ट बहुत अलग है। आप जब कुमाऊं रीजन आएंगे या गढ़वाल रीजन भी जाते हैं तो ये दाल तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इसका अलग से सूप भी बनाते हैं, तो पथरी की प्रॉब्लम के लिए सूप बड़ी काम की चीज है। टेस्ट दाल का अलग है, हल्की हल्की दाल में मिठास रहती है, तो ये टेस्ट आप पहचान जाएंगे ये गोहत दाल है। वेरी गुड। तो ये मेरे को लगता है ऐसे ले लेता हूं। चाट मेरे को बहुत पसंद आई है। खाना खाते खाते अचानक बरसात आ गई तो हम ऊपर कैफे में आ गए। केवल राइस पोहा बचा था, तो राइस पोहा आ रहा है। मौसम देखिए कितना बढ़िया हो गया। लो जी राइस पोहा और बरसाती मौसम, खड़े होके खा रहे हैं। एक चीज बताओ, इसमें राइस के अलावा क्या केला भी है? बनाना, पका हुआ बनाना मैश करके, पका हुआ बनाना मैश करके डालते हो, और हल्का हल्की हल्की चीनी, चीनी डालते। टेस्ट मेरे को इसका भी बहुत पसंद आया। वेरी गुड। अभी बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, हम रूम देखने नहीं जा रहे, नीचे जाते हैं और यहाँ से 8 किलोमीटर का सफर करके हम अल्मोड़ा जाएंगे, वहां चलकर बाल मिठाई खाएंगे। अल्मोड़ा में जो ट्रैफिक है ना, वो वन साइड चलता है, तो टाउन के अंदर टू वे ट्रैफिक नहीं चलता, तो गाड़ी हमने पीछे छोड़ दी है क्योंकि लग रहा था कि ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। हम बाल मिठाई की शॉप तक पहुंच चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं खीम सिंह मोहन सिंह रोतेला, ये यहाँ की काफ़ी फेमस शॉप है। अच्छा, ये आप देखिए हमने क्या क्या लिया है। इसको बोलते हैं बाल मिठाई, खोए से इसको तैयार किया जाता है। बाहर आप चीनी के दाने देख रहे हैं, ये भी बाल मिठाई है। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें चीनी के दाने और इसमें चीनी के दाने नहीं है। यहाँ पर इसको चॉकलेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका रंग चॉकलेट के जैसा रहता है। ये अल्मोड़ा की एक और फेमस मिठाई है सिंगोड़ी, ये एक लोकल पत्ता है, तो इन्होंने बताया पत्ता नहीं खाना होता आपको, आपको अंदर ये मिठाई खानी होती है। सिंगोड़ी को भी मावे से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट खाएंगे, अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई। लोडेड विद घी, मावे को भून भून के इस कदर गाढ़ा कर दिया गया है। खाते समय मुंह में हल्का हल्का खोया दांतों पे चिपकता है। मेरे को जो पहले मैंने खाया ना वो ज्यादा स्वाद लग रहा है। मैं अपने अपने लिए 1 किलो बाल मिठाई साथ लेके जाऊंगा, लेकिन बिना चीनी के दाने के लूंगा। हालांकि इसका टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। सोचो मैंने 2 मिठाई खाई हैं, दोनों मावे से तैयार की गई हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क है। चॉकलेट जो हमने खाई बाल मिठाई, उसको मावे को काढ़ के अच्छे से भुना गया, और इसमें मावे को कम भुना गया है, मावा कम लेवल में भुना गया, साथ में इसमें कोकोनट है,
फ्लेवर्स एकदम डिफरेंट है, टेस्ट मेरे को दोनों के बहुत पसंद आए। अभी मैंने इनसे पूछा था सिंगोड़ी की जो शेल्फ लाइफ है वो 2 से 3 दिन है और बाल मिठाई के 10 से 15 दिन। अभी हमें उत्तराखंड में 3-4 दिन और रहना है तो अपने लिए मैं 1 किलो बाल मिठाई पैक करवा रहा हूँ। सामने लिखा भी हुआ है 300 रुपये पर किलो रेट है। भाई साहब हमें आप 1 किलो बाल मिठाई दे दो लेकिन बिना चीनी के दानों के पैक कर दो। नंदा देवी का डोला आ रहा है, हम आज कितने लकी हैं हमें ये देखने का मौका मिला एकदम डॉट ऑन टाइम अल्मोड़ा टाउन में। अल्मोड़ा से हम निकल चुके हैं, ये देखो आप अल्मोड़ा का व्यू कितना शानदार लग रहा है, पहाड़ में घर कितने फैले हुए हैं, वाओ। अभी हम जा रहे हैं यहां से 17 किलोमीटर का सफर करके कटारमल सूर्य मंदिर। हम सन टेंपल के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। ये देखिए जी सामने है सूर्य मंदिर, ठीक है। अब यहाँ जाने के लिए ये बच्चे खड़े हैं, ये हमें रास्ता दिखाएंगे और वहाँ उस रास्ते से हम जाएंगे। आपको थोड़ा मैं इस एरिया के बारे में भी बताता हूँ। लास्ट के जो 2.5 किलोमीटर हमने ऊपर आए हैं बहुत ज़्यादा स्टीप था, आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए वो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही नीचे, हम वहाँ पे थे और 2.5 किलोमीटर में हम चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ चुके हैं। इस समय हम 2000 मीटर की हाइट पे हैं और लैंडस्केप आप देखिए, सामने आप पहाड़ देखिए, कितना बड़ा व्यू आ रहा है और काफ़ी अच्छा व्यू है, लवली। चलिए चलते हैं। लो जी हम सन टेंपल के एंट्री गेट तक पहुंच गए हैं। सामने भगवान सूर्य का मंदिर है, मैं अंदर जाके माथा टेक के आता हूं फिर आपको बताता हूं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन मैं जो देख के आया उसके बारे में आपको बताता हूं। अंदर भगवान सूर्य की प्रतिमा है, प्रतिमा के साथ ही वट वृक्ष की लकड़ी है जिसमें भगवान सूर्य का आह्वान किया गया था। इस मंदिर के इर्द गिर्द 44 छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिरों के अंदर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर तो बना हुआ है लेकिन उसमें मूर्तियां नहीं हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये 13th century का है, कत्यूरी डायनेस्टी के समय ये मंदिर बनाया गया था। यहाँ पर लिपि में कुछ लिखा गया उसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जजमेंट है ये मंदिर 13th century में बनाया गया। इस जगह के बारे में मैं आपको एक और यूनिक चीज बताता हूँ। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप जो ये होल देख रहे हैं, एक इस तरफ होल है और एक सामने ठीक उस तरफ होल है। साल में 2 बार 22 अक्टूबर को और 22 फरवरी को सूर्य की जो पहली किरण है इस होल से पास होके, उस तरफ से पास होके यहां से मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करती है। यह चीज इस जगह की बहुत यूनिक है। इस मंदिर परिसर में जितने भी आप छोटे बड़े मंदिर देख रहे हैं ये नागर शैली में तैयार किए गए हैं। यहां पर ये 2 मंदिर के स्ट्रक्चर्स हैं जो द्रोण शैली में है। कुमाऊं और गढ़वाल में मैक्सिमम जो टेम्पल्स दिखेंगे आपको नागर शैली डिजाइन में ही दिखेंगे। मंदिर का जो गर्भगृह है ये त्रिरथ आकार में है। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर सारा जो आज हमने यहाँ पर आके देखा, इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये 800 से 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, साफ सफाई काफ़ी अच्छी है, वेरी वेल मेंटेन। साथ ही साथ आप यहाँ से बाहर का सीनिक व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा।
टूरिस्ट रेस्ट हाउस यहाँ से 100 मीटर पे है, काफी अच्छी लोकेशन है। अच्छा आओ नीचे चलते हैं, यहाँ कोई कॉपी पेंसिल की दुकान है? अभी हमारे रास्ते में आएगी, आओ हमारे को लेकर चलो वहां पे। हाँ कौन सी, ये शॉप है भैया? ये बच्चों को दे दो कॉपी पेंसिल कुछ, हम बेचारों ने बड़ी हमारी मदद करी है। दे बेटा बोल कौन सी कॉपी है तुम्हारे स्कूल की, लो पढ़ाई करने के लिए कुछ सामान दो इनको, कॉपी दो, पेन दो, पेंसिल दो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? तुम दोनों एट्थ में हो, तुम दोनों एट्थ में हो, तुम सेवन्थ में हो, चलो घर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बरसात आने वाली है, बाय बाय। 6:30 हो चुके हैं, बरसात भी स्टार्ट हो रही है, अब हमको जाना है कोसानी। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 घंटे पहुँचने में लगेंगे। लो जी पार्किंग तक पहुँच गए, अब आपको हम कोसानी पहुँच के ज्वाइन करते हैं। इस समय रात के 9 बजे हैं, हम कोसानी में बेस्टन रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, अब आप हमारे से एंट्री करवा लो। और यहाँ पर रूम टैरिफ 3,000 रुपये डबल ऑक्यूपेंसी में, ये रूम मैं आपको ना कल दिखा दूंगा मॉर्निंग में। और यहाँ पर सामने मुझे लग रहा है कि देखकर व्यू भी अच्छा आएगा, तो मॉर्निंग में हम सनराइज यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे, आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो रहा है। आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात करते हैं और कोसानी दिखाएंगे आपको, उसके बाद हमको आगे चलकर नैनीताल भी जाना है। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।